अभी तो कार्यकर्ताओं के ऊपर है, उनकी मन की बात है किस बात को लेके वो काम करना चाहेंगे। आपकी तरफ से अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूंगा, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। देखिए उन्होंने कहा फैसला लूंगा भविष्य के बारे में, चुनाव लड़ने के बारे में, आप जबरदस्ती घुमा रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं से सभी ये मेरे बगल में खड़े हैं, वो ये सबसे सीनियर हैं, मंत्री मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में। जब चुनाव लड़ना होता है तो कार्यकर्ताओं से पहले पूछते हैं, तो उन्होंने बाबा साहब ने गलत तय कहा, मैं भी चुनाव लड़ूंगा तो पहले जाऊंगा कार्यकर्ताओं से पूछूंगा लड़ना है कि नहीं लड़ना, सहयोग दोगे नहीं दोगे, ये तो बहुत स्वाभाविक बात है। लेकिन तुम लोग उसको जबरदस्ती घुमा रहे हो। लेकिन इसको लेकर नारायण चंदेल जी कहा कि अकेला चलो की नीति चल रही है आपके लिए, इसलिए वो इस्तीफा भी दे दिया पंचायत विभाग से। अच्छा, नारायण चंदेल जी के बयान देने का मौका मिल गया क्या? चलो अच्छा है। सरगुजा क्षेत्र के सूरजपुर में छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री टीएस सिंहदेव साहब ने कल व्यथित होकर के छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ में बयान देते हुए कहा है कि चुनाव के पहले मुझे अपने भविष्य को लेकर कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। यह इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ में एकला चलो की नीति चल रही है, सरकार में कोई टीम वर्क नहीं है। और इसके पहले भी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने सरकार के कामकाज की खुले रूप से आलोचना की है। यह इस बात का द्योतक है, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव जी घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे और जहां भी जा रहे हैं जनता उनसे बार बार वादों को पूरा नहीं करने का सवाल उठा रही है, जिससे वो व्यथित होकर के इस प्रकार के बयान दिए हैं। यह इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि कांग्रेस के अंदर क्या पक रहा है।